हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिशांत याग्निक है और आज हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसका नाम है DY77 द कोच आई। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग क्रिकेट की बारीकियां सीखेंगे और कहां से सीखेंगे, कोई भी ऑन गोइंग टेस्ट सीरीज या वनडे सीरीज इंटरनेशनल जहां भी चल रही होगी उसके साथ हम लोग रिलेट करेंगे। ये एनालिसिस है किसके लिए, सबसे पहले ये बताना जरूरी है। एनालिसिस इंडियन टीम के लिए नहीं है, ये एनालिसिस उन लोगों के लिए है जो अंडर 23 रणजी ट्रॉफी, अंडर 19, अंडर 17 अपने स्टेट के लिए खेल रहे हैं और जो क्रिकेट में और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि इंडियन टीम वालों के पास उनके खुद के एनालिस्ट हैं, उनके पास अच्छे कोचेस हैं, बैट्समैन को खुद को पता है कि क्या उसने मिस्टेक कमिट की इसलिए आउट हुआ। सो ये डेफिनेटली इंडियन टीम के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। सो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने गेम में उतारें और कोशिश करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वर्ल्ड के हर डिफरेंट कोने पे पिचेस डिफरेंट तरह से बिहेव करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में पेस और बाउंस होता है, सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में लो बाउंस होता है और स्पिन को मदद करता है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ऐसी कंडीशंस है जहां बॉल मूव करती है हवा में और गिर के भी मूव करती है लैटरल पिच से। तो इंग्लैंड में खेलना इसलिए डिफिकल्ट है, एक तो क्योंकि कभी कभी ओवरकास्ट कंडीशन हो जाती है, टेम्परेचर लोअर साइड पे रहता है और एक और बड़ा फैक्टर है वो है ड्यूक बॉल जो कि बहुत ही ग्लॉसी होती है, उसकी सीम बहुत हार्ड होती है और ये हार्डनेस 90 ओवर तक बनी रहती है, इसलिए दिन भर बॉल हिलता रहता है। सो बैट्समैनों के लिए काफ़ी चैलेंजेस हो जाते हैं इसमें और बॉलरों के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा, ये जो 7 पॉइंट है वो आप ऑन गोइंग जो टेस्ट सीरीज है उससे आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आप उन 7 पॉइंटों को और टेस्ट मैच को साथ में रिलेट करके देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे, जो भी बैट्समैन आउट हुआ, जिसने भी जो कमिट मिस्टेक की, ये उन 7 पॉइंटों में से ही कोई होगी और आप खुद भी ये पता लगा पाएंगे जब आप खुद जाके बैटिंग करेंगे नेटों में और जहां कंडीशंस मूविंग होगी, तो आप भी इन 7 पॉइंट को अपने गेम में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक कमिट की है। सो ये 7 पॉइंट ये रहे, आप चेक कर सकते हैं। जज अर्ली, प्ले एंड रिएक्ट लेट। सो इसमें आप देखेंगे टेस्ट सीरीज में कि बहुत सारे बैट्समैन जो आउट होंगे वो अपनी लाइन मिस कर जाते हैं, उससे वो बोल्ड LBW और पीछे आउट होते हैं, स्लिप और कॉट बिहाइंड। ये होता क्यों है, क्योंकि इंग्लैंड कंडीशन में, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड कंडीशन में जिस पाथ पे बॉल रिलीज होता है उस लाइन पे कभी वो फिनिश नहीं होता। इमेजिन कीजिए कि अगर एंडरसन या ब्रॉड, जिसने फोर स्टंप की लाइन पे बॉल डाला है, वो कभी भी खत्म फोर स्टंप पे नहीं होगा, क्योंकि हवा में मूवमेंट और गिर के भी लेटरल मूवमेंट, वो फिनिश या तो 6-7 स्टंप पे होगा या स्टंप के अंदर फिनिश होगा। तो बैट्समैन अमूमन गलती क्या करते हैं, जैसे ही वो फोर स्टंप की लाइन देखते हैं उस लाइन के थ्रू वो बैट को अलाइन करके बैट को लाइन में ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस लाइन पे फिनिश नहीं होती, बॉल या तो अंदर फिनिश होती है या बाहर फिनिश होगी। तो ये पॉइंट जो है, जज अर्ली प्ले लेट, प्ले लेट खेलने से होगा क्या कि आपने हाफ वे बॉल देखी फोर स्टंप लाइन पे, आप फटाफट कमिट नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे बॉल का और बॉल जब फिनिश आपके जोन में 7वें स्टंप पे या 6ठे पे होगी फिर आप बॉल को खेल सकते हैं, या फिर लेट स्विंग हुई तो आप उसको सामने खेल सकते हैं, या फिर बॉल पूरी हरकत खत्म करके आपके जोन पे आएगी, लेट खेलेंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि वो छूटी हुई जो पाथ है वो फिनिश यहाँ हो रहा है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जज अर्ली बट प्ले एंड रिएक्ट लेट। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है कि डोंट ट्राई टू प्ले टू स्ट्रेट इन द स्विंगिंग कंडीशन। स्विंगिंग कंडीशन में जहां बॉल हवा में हिल रहा है, गिर के भी मूव हो रहा है अंदर बाहर, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेट खेलना भी एक डेंजरस मूव हो सकता है बैट्समैन के लिए और आप देखेंगे इन मैचों में आपको दिखेगा। एक्चुअली इसका डायनेमिक्स है क्या, इमेजिन कीजिए मैं बैटिंग कर रहा हूँ और कोई लेफ्ट हैंड मीडियम पेसर मुझे बॉल डाल रहा है, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, बॉल स्विंग खत्म होके मुझे यहाँ पिच हो रही है, इसको मैं अगर मिड ऑफ पे खेलने जाऊंगा जो कि स्ट्रेट है, एक्चुअली मैं आई एम एंडिंग अप एज द बॉल और पीछे आउट हो जाऊंगा। उसी बॉल को मैं अगर मैं कवर्स की तरफ खेलने जाऊंगा तो मैं ज्यादा अलाइंड हूँ, तो यहाँ का सीधा ये है और वही एंडरसन अगर इन स्विंग डालता है और वो बॉल यहाँ इस लाइन पे फिनिश होती है तो इसका सीधा मिड विकेट का लेफ्ट या मिड विकेट का राइट है। सो हर जगह का सीधा आपको समझना जरूरी है,
एक और चीज है, अगर आप बहुत ज्यादा सीधा खेलने कोशिश करते हैं तो आप बहुत बार पॉसिबिलिटी है कि आप बॉल को जल्दी और हेड से आगे खेले। इमेजिन कीजिए एक यहाँ खेल रहा हूँ और एक यहाँ खेल रहा हूँ, हेड के अंडर है, ये हेड से थोड़ा आगे है। सो अगर अक्रॉस द लाइन कोई बॉल जा रही है और मैं उसकी तरफ भाग रहा हूँ तो एक्चुअली आई एम एंडेड अप एज और पीछे आउट हो जाऊंगा। टू स्टेट खेलने वाले पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करता हूँ जो आप सब यंगस्टर कर सकते हैं कि आप ये सेग्रीगेट कर सकते हैं कि मैं जितने भी डिफेंस करूंगा वो आई एम ट्राइंग टू प्ले स्ट्रेट, लेकिन जो भी मेरी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होंगी तो वहां का सीधा समझना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्विंग पूरी अपनी हरकत खत्म करके जहां पे आएगी वहां का सीधा आपको पहचानना है कहाँ खेलना है आपको। अगर कोई इमेजिन नेक्स्ट के बाहर पिच होके यहाँ फिनिश होती है उसको आप सीधा नहीं खेल सकते, उसको आपको स्क्वायर लेग पे फ्लिक ही खेलना पड़ेगा। इस टेस्ट सीरीज में आप एक और पॉइंट देखेंगे कि बहुत सारे बैट्समैन हैं जो क्रीज के बाहर खड़े रहेंगे और बहुत सारे क्रीज के अंदर खड़े रहेंगे। आगे खड़े रहने में और पीछे खड़े रहने में फायदा नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो भी बैट्समैन क्रीज के बाहर खड़े रहेंगे वो हमेशा स्विंग को नेगोशिएट, स्विंग को काटने के लिए और फ्रंट फुट के शॉट्स एग्जीक्यूट करने के लिए खड़े रहेंगे। स्विंग को काटने के लिए बेस्ट तरीका है आगे खड़े रहना। पर इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है कि जो जजमेंट का टाइम आपको अंदर से मिलता है वो जजमेंट का टाइम आपका कम हो जाता है जब आप बाहर खड़े रहते हैं। एक और चीज, आप हो सकता है बहुत सारे बैकफुट शॉट आप मिस कर जाए क्योंकि आप आगे से नेगोशिएट करने को देख रहे हैं और आप बॉलर को एक और वेपन दे रहे हैं कि शॉर्ट बॉल आप तक जल्दी पहुंच सकती है, पिट पहुंच सकती है, तो आपको हाथ खोलने का चांस भी न मिले पुल या कट मारने के लिए। अंदर खड़े रहने में फायदा नुकसान क्या है? अंदर खड़े रहने में फायदा यह है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलेगा बॉल जज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कमिट नहीं करने के लिए। लेकिन इसके नुकसान ये है कि आप बॉलर को एक एक्स्ट्रा यार्ड दे रहे हो बॉल को स्विंग कराने के लिए। सो ये फायदा और नुकसान दोनों तरफ होगा। बहुत सारे बैट्समैन आप देखेंगे अंदर भी खड़े रहते हुए, बाहर खड़े रहते हुए, लेकिन जो बॉल को आने देगा अपनी तरफ, बॉल की तरफ भागेगा नहीं, भले वो अंदर खड़ा है या बाहर खड़ा है, उसके सक्सेस होने के चांस ज्यादा है। और एक वैल्यूबल पॉइंट है कि बहुत सारे बॉलर है जैसे एंडरसन है, उससे हाथ से पता नहीं चलता कि बॉल अंदर फेंकी या बाहर फेंकी है। स्टुअर्ट ब्रॉड जब राउंड विकेट फेंकता है लेफ्ट हैंडर को तो पता नहीं चलता फिनिश अंदर होगा या बाहर होगा। ट्रेंट बोल्ट भी जैसे है न्यूजीलैंड का, पता नहीं चलता बॉल कहाँ फिनिश होगी। सो इस डायनेमिक्स में करे क्या, इसमें क्या करो, जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आप एज्यूम, आपको अगर पता नहीं चल रहा तो आप रेडी रहो अंदर के लिए, बिकॉज इट्स बेटर टू बीट फ्रॉम आउटसाइड देन इनसाइड। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई बॉल एज्यूम कर रहे हो बाहर निकलने वाली और आप बॉल की तरफ चले गए लेकिन वो बॉल अगर अंदर आ गई, मतलब आप अंदर से बीट हुए तो आप आउट हो। लेकिन इमेजिन करो आप अंदर के लिए रेडी हो और आप खेलने के और बाहर से बीट हो गए तो स्टिल आपके पास नेक्स्ट बॉल खेलने का चांस है। सो मेरा मानना यह है कि इट्स बेटर टू बीट फ्रॉम आउटसाइड देन इनसाइड। तो जब भी आपको मूवमेंट का पता नहीं चल रहा, रिवर्स स्विंग आप खेल रहे हो सब कॉन्टिनेंट में, पता नहीं किस तरफ स्विंग खत्म होएगा, बेटर रेडी रहो अंदर के लिए। उससे एक फायदा और है, आप क्या रहा? हमेशा बैलेंस में भी रहोगे क्योंकि आप बाहर के लिए रेडी रहोगे तो हमेशा आउट ऑफ बैलेंस होते रहोगे और अंदर में आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, बेटर टू बीट फ्रॉम आउटसाइड देन इनसाइड। और इस स्विंगिंग कंडीशन में अगर आप बीट होते हो या आप अच्छे लेफ्ट कर रहे हो तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। How's that? Not out. एक पॉइंट है जिसके बारे में बहुत कोचेस कम बात करते हैं और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस बॉल इंपैक्ट। जैसे आपने देखा कि अभी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर नॉट आउट दिया, तो जब आप बैटिंग करते हो स्विंगिंग कंडीशन में और आपके कोई कैच छूटता है एलबीडब्ल्यू होते हो तो आपका नेक्स्ट बॉल में एज्यूम ये होता है कि नेक्स्ट बॉल वहीं पे आने वाली है या फिर कैच छूटा तो वहीं पे आने वाली है क्योंकि बॉलर वहीं डालने वाला है। तो आपको वो जो प्रीवियस बॉल का इंपैक्ट है वो रब करना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि अगर आपका कैच छूटा है और एलबीडब्ल्यू अगर आप हुए हो तो एलबीडब्ल्यू हो तो कम पैर निकालोगे, इमेजिन करो वो बॉल यहाँ नहीं आके वहां आई है तो सिर्फ हाथ से खेलोगे। सो प्रीवियस बॉल का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा बैट्समैन को आउट करता है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं बहुत बार ऐसा आउट हुआ हूँ। प्रीवियस बॉल पे अगर कोई एलबीडब्ल्यू की एक्सपील हुई या कैच छूटा है स्लिप में तो मैं एज्यूम करता हूँ नेक्स्ट बॉल वहीं आने वाली है। क्रिकेट में जितना ज्यादा आप रिएक्टिव रहोगे, स्पेशली स्विंगिंग कंडीशन में जितना ज्यादा रिएक्टिव रहोगे आपके सक्सेस होने के चांस ज्यादा है। ट्रांसफर ऑफ वेट एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार इग्नोर हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ वेट फ्रंट फुट पे, ट्रांसफर ऑफ बैक फुट पे, ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ वेट बैक फुट पे क्योंकि स्विंगिंग कंडीशन में आप आगे से नेगोशिएट करने को देखते हो, बॉलर आपको आगे से आउट करने को देखता है तो बहुत बार आप बैक फुट के शॉट मिस कर देते हो। सो इमेजिन कीजिए कि जब आप स्विंगिंग कंडीशन में खेल रहे हैं तो वो जो बैक फुट के शॉट हैं वो आपको मोस्ट ऑफ द रन्स देंगे क्योंकि
जब बॉलर को लगता है कि आगे से कुछ नहीं हो रहा तो वो थोड़ा सा अपनी लेंथ पीछे खींचता है, उस टाइम अगर आप बैकफुट के शॉट मारे तो आप बॉलर के टॉप पे आ सकते हैं। सेकंड चीज फ्रंट फुट पे ट्रांसफर, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि ये एक दीवार है और यहाँ पे आप वन बाउंस फेंकेंगे बॉल तो ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, कैच की तरफ जाएगी। लेकिन यही एक सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां इस तरफ है और सीढ़ियों के पीछे की दीवार है, इस पे जब आप वन बाउंस फेंकेंगे तो बॉल नीचे की तरफ जाएगी। तो आपको जब बैटिंग कर रहे हो और फ्रंट फुट पे आप जब खेल रहे हो तो आपको वो सीढ़ियों वाली दीवार बननी है ताकि बॉल हमेशा नीचे की तरफ जाए। और जब भी आपको लगे अगर आप सीढ़ियों दीवार तो जब भी आप खेलोगे इस वेट ट्रांसफर से तो बॉल आपके नीचे जाएगी, स्लिप में कैरी भी नहीं करेगी विद द सॉफ्ट हैंड। सो याद रखिए ट्रांसफर ऑफ वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंट फुट टू बैक फुट, बैक फुट टू फ्रंट फुट। जब भी बॉल बहुत ज्यादा मूव होती है, कट होती है, स्विंग होती है, बाहर से आप बैठ के देखते हो तो हर बैट्समैन जो अंदर जा रहा होता है उसका मोड चेंज होता है, वो एक सर्वाइवल मोड में आ जाता है। वो चाहता है कि मैं बॉडी से बैट आगे ना ले जाऊं। इस सर्वाइवल मोड में आने से होता क्या है, उसका नुकसान क्या है, आप एक जो बैट का जो आपका फ्लो है वो फ्लो पूरा कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। और बैटिंग इज ऑल अबाउट रिदम और आर्ट है। सो जब आप बहुत ज्यादा सर्वाइवल मोड में पास खेलने के आ जाते हो तो आप बहुत ज्यादा मैकेनिकल रोबोटिक हो जाते हो। तो जब आप रोबोटिक हो जाते हो तो आपके अंदर जो फ्लो पहले से मसल मेमोरी के अंदर है उसको आप कॉम्प्रोमाइज करते हो। और बहुत बार आप एंडेड करते हो कि जब बैट डाउनस्विंग नीचे आ गया, अब यहाँ आने के बाद जो बैट का जो फ्लो आपका जो खत्म हो गया उसके बाद बॉटम एंड से आप बहुत पुश करते हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला है कि बॉल को हमेशा लेट खेलना है। तो बैट जितना फ्लो में ऊपर से आएगा आप लेट खेलोगे, लेकिन आपका डिफेंसिव माइंडसेट से बैट ऊपर नहीं जाएगा तो आप एंडेड अप बॉल को हमेशा आगे खेलोगे। जब भी बॉडी से आगे बैठ जाएगा नीचे वाला हाथ हमेशा पोक करेगा तो आपके पीछे आउट होने के और बोल्ड और एलबीडब्ल्यू के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। होपफुली ये सातों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, इसकी बारीकी आपको समझ में आएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस चैनल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत सारे मास्टर क्लास हम लेना चाहते हैं बैटिंग की, ग्रिप से लगाकर, स्टांस से लगाकर, बैट स्विंग की, बैट फ्लो की, कीपिंग के बारे में, फील्डिंग के बारे में, बॉलिंग के बारे में, हाउ टू इंक्रीज पेस, बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों को इस चैनल के थ्रू आपको बताएंगे। और पहला ऐसा चैनल होगा जो टेस्ट सीरीज के साथ चलते चलते रिव्यू और प्रीव्यू करेगा, क्यों अच्छा किया प्लेयरों ने, क्यों वो आउट हुए, क्यों खराब बॉलिंग हुई, क्यों खराब कैचिंग हुई, उसके साथ ये चैनल का साथ में मोड चलेगा। सो थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। और इस चैनल के स्पॉन्सर हमारे क्लोथिंग पार्टनर विराट को थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बजाइए। हम लोग आपके साथ ऐसे ही कोचिंग की टिप्स शेयर करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।